डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम व्हेन यूडीएल इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एक्टिंग का एक जनरल केस देखेंगे, जो है इक्वेशन डेवलप करेंगे और साथ में जो है एक अच्छा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है हम लोग करेंगे कि इस कैंटिलीवर बीम पर जिसकी लेंथ टोटल 2 मीटर है और उसकी 1.5 मीटर लेंथ तक जो है यूडीएल काम कर रही है और इधर काम कर नहीं कर रही है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ये लेक्चर नंबर आपका 55 है और हमने जो है लेक्चर नंबर 53 में जो है आपको हमने बताया था कि स्टेप्स फॉर द यूडीएल और किस तरह से साइन कन्वेंशन लेते हैं ये आपके सामने है और ये जो है स्टेप्स टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में होंगी, नहीं है तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 52, 53 ये सारे देख लें क्योंकि सारे लेक्चर सीक्वेंस में ही इस प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डले हुए हैं, तो इनको आप देख लेंगे तो आपको मज़ा आएगा समझने में। आपको यदि लिंक नहीं मिलती है लेक्चर नंबर 52 की या 53 की, ठीक है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए इनको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये यूडीएल है तो अब प्रोसेस हम जो है यहाँ पर आपको बताते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि कोई लेंथ मान लीजिए एल है, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी है एल है और यूडीएल कितनी है डब्लू, जो है डब्लू, बब्लू का भाई डब्लू, किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर मतलब एक मीटर में डब्लू है। ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और साथ में ही यहाँ भी जो है नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा तो फर्स्ट स्टेप जो आपका था कैलकुलेशन में, कौन से कैलकुलेशन में, एसएफडी बीएमडी के कैलकुलेशन में सबसे पहला जो काम था दोस्तों आपका कि टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर है बताइए, नॉर्मल रिएक्शन जो है आपको कहाँ पे, यहीं पे है सिर्फ आर ए पे, तो आर ए यदि आप निकालेंगे तो यही सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए कितने कंडीशन है, देर आर 3 कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। कौन कौन सा कंडीशन है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही कंडीशन है आपका टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी जीरो एंड टोटल मोमेंट शुड बी जीरो, ये हमारा कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा है कहीं पर और मोमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए 3 कंडीशन है, ठीक है, बाय द वे एक ही कंडीशन से निकल रहा है तो इट्स गुड। तो आर ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा एल, और यही आपका आर ए निकल गया सीधा एक ही बार में। ठीक है, नाउ अब आप क्या निकालते हैं, शियर फोर्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। ठीक है, अब आप निकालते हैं तो पहले आप कहीं भी बनाते हैं तो एक जो है साइन कन्वेंशन जरूर यूज कर लीजिए। तो ये आपका बीम है मैं बता चुका हूँ, और कहीं भी आप रेफरेंस ले लें, ऊपर से नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा उसको लेते हैं पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की ओर जो लगेगा निगेटिव लेंगे, फिर लेफ्ट साइड यदि जाइए इसके तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर लेंगे तो निगेटिव, यदि क्लॉकवाइज लगेगा ठीक ना तो क्या लेंगे निगेटिव मोमेंट, और यदि एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक ना, मोमेंट के लिए। ये पूरा कंडीशन आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये आगे हम बढ़ें उसके पहले हम बता चुके हैं कि यहाँ पर आप बीम का जो है डुप्लीकेट ड्रॉ कर दीजिए, किसके लिए, एक शियर फोर्स के लिए और एक बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं किसके लिए, शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए, और ये किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट के लिए 2 ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं किसके लिए, शियर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर स्केल भी हम ले लेते हैं, ठीक है ना, स्केल बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो स्केल डब्ल्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लीजिएगा और यहाँ भी W न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है स्केल क्या वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो
तो उसमें और थोड़ा क्लियर होकर के समझा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप निकालेंगे क्या शियर फोर्स एट बी, ठीक है ना। एट बी मतलब कि आप कहाँ पर हैं, रेफरेंस कहाँ पर है, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट साइड में आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर आपका जो है शियर फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कीप मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। और कहाँ तक जाना है, जस्ट ए के राइट साइड, ए पर भी नहीं जाना है क्योंकि ए पर तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम बताए थे कि इधर क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। बी के राइट साइड नहीं जाना है क्योंकि कुआं है, और ए के लेफ्ट साइड नहीं जाना है क्योंकि खाई है। आपको हमेशा ए और बी पर ही रहना है, जमीन पे ही रहना है, उड़ो कितना भी आकाश में लेकिन जमीन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, शियर फोर्स जीरो। अब जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा आप निकालिए, कहाँ पर, एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पे आप निकालेंगे शियर फोर्स एट एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डब्लू पर यूनिट लेंथ है और एक्स के लिए कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू एक्स, और ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा डब्लू इंटू एक्स। अभी एक्स बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ सकता है, ए तक, तो आप निकालेंगे शियर फोर्स एट ए, ठीक ना, एट ए, जस्ट राइट ऑफ ए, जस्ट राइट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू इंटू एल, डब्लू इंटू एल आ जाएगा यहाँ पर ए पर। ठीक है, अब ए के लेफ्ट साइड जब तक जगह रहेगा तब तक पीछे खिसकते रहेंगे, जगह नहीं रहेगा तो क्या होगा, खाई में नहीं गिरना है, वहीं रुक जाना है, क्योंकि हम खाई में गिर जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल कौन सॉल्व करेगा। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट के लिए आ जाइए, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे कहाँ पर, एट बी पर, एट बी पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या हो गया, जीरो। अब जैसे ही एक्स पर निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या होगा, लोड कितना हो गया, डब्लू इंटू एक्स, लोड कितना हुआ, डब्लू इंटू एक्स, ध्यान दीजिए डब्लू इंटू एक्स लोड, और डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ पर आप निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कितना लेंगे, मिड पॉइंट। हम ये मानकर चलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, या यूवीएल हो या कोई भी रेंडम लोड हो एक्सेप्ट पॉइंट लोड, तो उसका कंसेंट्रेशन पॉइंट सेंट्रोइड होता है। तो ये जो लेंथ एक्स है तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, एक्स बाई टू पे, आधा पे। ठीक है, तो ये x बाई क्या हो जाएगा, 2। और ये क्या लगाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, निगेटिव देखिए यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब x आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पर आएंगे, a पर। तो बेंडिंग मोमेंट एट कहाँ पर, a, a पर निकालने के लिए क्या, x इक्वल टू एल रखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, एक कॉमन इक्वेशन, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं जनरल कंडीशन निकाल रहे हैं, जनरल केस में जनरल वैल्यू रखे हैं और x के टर्म में निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। अच्छा, अब देखिए तो ये लीनियर इक्वेशन है, अब क्या हम सीधा मिला दें, ये तो वैल्यू आपका निकल गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ तो ये वैल्यू निकल गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। अब सवाल ये है कि हम इसको सीधा मिला दें, नहीं, इसलिए नहीं मिला सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या है, y इक्वल टू 4ax2। ठीक है ना, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला में भी, पैराबोला में भी एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कि पैराबोला हम ऐसे खींचें कि ऐसे खींचें, दोनों ऑप्शन है ना, कि पैराबोला हम ऐसे खींचें कि ऐसे खींचें। उसके लिए दो उपाय हैं, एक तो आप नेगेटिव मोमेंट देख रहे हैं, तो नेगेटिव मोमेंट हमेशा ऐसे होगा, ठीक ना, ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर से आएगा। अच्छा, दूसरा उपाय ये भी है कि आप यहाँ पर x इक्वल टू निकालें, थोड़ा सा और आगे निकाल करके देख लीजिए, थोड़ा सा और आगे निकाल करके देख लीजिए, तो वेरिएशन पता चल जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है, बढ़ते हुए जाएगा, और जो है यहाँ पर आकर के मैक्सिमम वैल्यू यही होगा,
मैक्सिमम वैल्यू कहीं इससे ज़्यादा हो गया रहता बीच में, तो ओब्वियसली ऐसे जाता। अरे बात समझ में, तो हमेशा ऐसे ग्राफ जाएगा। और ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, क्या हो गया? बेंडिंग कौन सा? निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये। कौन सा है? निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दैट मीन्स निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज कॉल्ड हॉगिंग। क्या बोलते हैं उसको? हॉगिंग। तो ये था हमारा जनरल केस किसका? एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम व्हेन यूडीएल इज एक्टिंग। ठीक है ना, व्हेन यूडीएल इज एक्टिंग। अब देखिए यहाँ पर जब यूडीएल काम कर रहा है तो इसी पर एक क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल ये लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, तभी तो मजा आएगा, समझ में आएगा हमको। देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, सबसे पहले बीम आपको मिल गया, और चूंकि अभी क्वेश्चन बताए हैं तो ये साइन कन्वेंशन आपके पास है। ठीक है ना, देखिए अब जो है थोड़ा हम फास्ट चल सकते हैं। जी सर बिल्कुल चल सकते हैं, ये हम बना लें, इसमें तो अब डाउट होना नहीं चाहिए। एक एसएफडी के लिए और एक बीएमडी के लिए, और यहाँ से भी एक लोड ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ड्रॉ किया हुआ रहेगा तो हमारे लिए आसान रहेगा। ये क्या हो गया? एसएफडी, और ये क्या हो गया? फॉर बीएमडी। ठीक है, देखिए चूंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। देखिए इसको हम मान लेते हैं क्या ए, और जो मानते आए हैं, और ये सी पॉइंट, और ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? आर ए। तो आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? नीचे से ऊपर की ओर आर ए, और ऊपर से नीचे की ओर कितना हो गया? यही यूडीएल है ना। तो ये 1 kN/m इंटू 1.5 m। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 × 1, यही टोटल लोड हो गया, कितना हो जाएगा? 1.5। तो सीधा आर ए कितना निकल गया? 1.5। और कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है। अब कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स। ठीक ना, अब शियर फोर्स एट बी, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शियर फोर्स एट बी कितना हो गया? 0। अब बीच में कोई डिस्टेंस ले लीजिए, कहाँ पर? एक्स पर। ध्यान दीजिए ये क्या हो गया? एक्स पर। तो शियर फोर्स एट एक्स निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा? ये 1 kN इंटू एक्स, ऊपर से नीचे की ओर क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर 0 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ गया, और एक्स बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ जाएगा। एट सी जब आप निकालेंगे, शियर फोर्स एट एक्स इक्वल टू 1.5 m, मतलब कहाँ पर? एट सी पर। तो क्या हो जाएगा इसी में? 1 × 1.5, मतलब क्या हो जाएगा? 1.5। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इधर आप जाएंगे, यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर मान लीजिए निकालेंगे, तो क्या होगा? यही, इधर कोई लोड है नहीं, जब लोड है नहीं तो यही 1.5 कांस्टेंट आएगा, और ये आर ए तक वही 1.5 कांस्टेंट आ गया। कुल मिलाकर के आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया? 1.5, और ये कांस्टेंट इधर आ गया। ये आर ए देखिए 1.5 रहा होगा, ठीक है, ये क्रॉस चेक है। और अब ये क्या आ जाएगा? लीनियर इक्वेशन। ये हो गया आपका क्या? शियर फोर्स डायग्राम। और किधर बना है? ऊपर में। तो इसी को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब आ जाए हम किसके लिए? बेंडिंग मोमेंट के लिए लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा, अब स्केल आप मान लीजिएगा, स्केल हम माने हैं 1 kN इक्वल टू 1 cm, और इधर स्केल अभी हम मानेंगे स्केल 1 kN इक्वल टू 1 cm। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, तो बेंडिंग मोमेंट एट कहाँ पर? बी पर। बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पर निकाल लें तो क्या हो गया? 0। बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर? एट एक्स पर। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स निकाल सकते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
ये डब्ल्यू इंटू एक्स अभी निकाले थे, देखिए यहाँ पर क्या है इक्वेशन, यही है ना, डब्ल्यू इंटू एक्स लोड निकल गया इंटू एक्स बाई टू डिस्टेंस, तो यहाँ उसी तरह से क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एक्स लोड हो गया इंटू एक्स बाई टू डिस्टेंस हो गया। और ये क्या है आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्लॉक वाइज जा रहा है, एक्स बाई टू क्यों लिए, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, तो ये माइनस में जाएगा, डब्ल्यू कितना है वन वन ही है सीधा, वन इंटू डिस्टेंस कितना है 1.5, कहाँ निकाल रहे हैं आप, सी पर, बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो 1.5 और इंटू 1.5 बाई टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 1.5 इंटू 1.5 बाई टू, तो कितना आ जाएगा 1.25 आ रहा होगा, 1.25 के आसपास आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, 1.125, ठीक है ना, कैलकुलेटर इज मस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, यू मस्ट यूज कैलकुलेटर, यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर यू कांट कैलकुलेट ऑल सच कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट एट सी आपका निकल गया, कितना निकला है 1.125, यहाँ पर निकला है 0, और इक्वेशन क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन, तो ये ऑब्वियसली ऐसे जाएगा। अब बात आती है इस दोनों के बीच की, इस दोनों के बीच में लोड तो है नहीं, लोड है क्या, लोड तो है नहीं, तो अब कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट कहाँ पर, ए पर, और देखिए जब ए पर भी आप निकालेंगे तो इक्वेशन तो यही रहेगा, ये यहाँ तक आप एक्स, चूंकि वेरिएबल है, अब एक्स मतलब क्या, यहाँ पर आप निकालेंगे कहीं भी, यहाँ पर मान लीजिए डिस्टेंस क्या है एक्स, ठीक है ना, तो ये पॉइंट मान लीजिए कोई डी है, तो देखिए एक बार निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी निकाल रहे हैं, डी कहाँ पर है, यहाँ पर सी के आगे, तो डी पर निकालेंगे आप, तो ये कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं, ये डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है, डिस्टेंस कितना, लोड कितना है आपका, लोड तो यही है ना 1.5 इंटू 1, ठीक है, तो 1 इंटू 1.5 लोड हो गया, और काम कहाँ कर रहा है ये, एक्स प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, तो लोड कितना हो गया 1 इंटू 1.5 लोड हो गया, ठीक है, और काम कहाँ कर रहा है एक्स प्लस 1.5 बाई टू पर, ठीक है, कुल मिलाकर के यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा रहा है, तो इससे आपको क्या समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस है, तो जाएगा पैराबोलिक। अब यही जो है बेंडिंग मोमेंट आप कहाँ निकालेंगे, एंड पॉइंट ए पर, ए पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ए पर कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए, ठीक है, लोड इंटू डिस्टेंस सिंपल सी है, तो लोड कितना है 1 इंटू 1.5, लोड तो इतना ही रहेगा, लोड में तो कहीं कोई चेंज नहीं है, तो 1 इंटू 1.5 लोड हो गया। डिस्टेंस अब देखिए दोस्तों ये कितना है 0.5, कितना है 0.5, है कि नहीं, तो ये 0.5 अब प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यूडीएल का सेंट्रोइड कहाँ, बीच में आएगा, ठीक है, और इधर तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट ये 0.5 ही तो बचा, ये 1.5 और ये 0.5, क्योंकि टोटल 2 मीटर है, तो क्या हो जाएगा 0.5 अब प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, देख लीजिए दैट विल बी योर जो है कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट जो है कहाँ पर, एट ए पर, क्या हो गया 1.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75 अब प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 1.25 हो गया कि नहीं, और इसको सब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 1.87 के आसपास आएगा, और ये किस में आएगा, निगेटिव में, ध्यान दीजिए क्योंकि नीचे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई ए पर 1.87। अब सवाल ये है किसको मिलाएं, क्या स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, नहीं, इसको मिलाएंगे पैराबोला से, ठीक है, ये कर्व जो बनेगा ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्व बनेगा दोनों ही, ये हो चाहे ये हो, ठीक है ना, कौन सा कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक
ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। क्या है? पैराबोलिक कर्व, ठीक है। तो आई होप कि जो है ये पैराबोलिक कर्व, अब ये जो है इसमें चूंकि वेरिएबल है नहीं, ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट जा रहा है ना, ये देखिए लीनियर गया है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक, और ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये इसके बीच में ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक पॉइंट कौन सा है, ए और सी और ये बी। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एक बार, ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट है ना, डायरेक्ट कहीं इसमें एक्स की कोई उलझन है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिटवीन बी सी क्या है, पैराबोला, पैराबोलिक कर्व, और ए सी, ए सी क्या है, एयर कंडीशनिंग वाला क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आप इस टाइप का क्वेश्चन बना पाएंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यदि डाउट है तो एक बार जो है वीडियो देखिए, और शुरुआत से वीडियो देखिए, जो है इसमें लेक्चर नंबर जो है 51 से ही हमने SFD BMD शुरू किए थे और लेक्चर नंबर 70 तक है ये SFD BMD। तो SFD BMD के जो भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व तो कीजिए ही कीजिए, और साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो खुद बैठ करके थोड़ा सा वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए साथ में, वीडियो के साथ साथ में, तो क्या आप समझ पाएंगे। ये कैलकुलेशन तो मैं करके दिखा दिया, ठीक ना, लेकिन कैलकुलेशन मैथमेटिक्स देखने से समझ में नहीं आता है, तैराकी जो है देखने से समझ में नहीं आता है, तैराकी करने के लिए खुद उतरना पड़ता है पानी में, तो पानी में उतरिए, पेन पेंसिल उठाइए और तब देखिए मज़ा आएगा आपको बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप प्रमोटिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट, एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।